Hey guys, तो आपका स्वागत है एक मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं भी आ चुका हूँ एक जत्रा शुरू क्लब के सामने। इसमें यहाँ पर भी देखिए एक पंडाल बन रहा है मेरे पीछे और यहाँ मूर्ति बन रहा है, तो अभी फिलहाल उसके अंदर जाने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चले चलते हैं सीधे प्ले पंडाल के अंदर और सीधे पंडाल में अंदर मिलेंगे। चले चलते हैं सीधा अंदर। तो हे गाइस, तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ जत्रा शुरू शंघा क्लब के अंदर और अभी फ़िलहाल देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पंडाल है वो रेडी हो रहा है हमारे पीछे। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको बनाया जा रहा है। और इस पंडाल का जो मूर्ति वगैरह है जो इसमें रखने के लिए, वो इसी जगह में बनाया जाता है जो अभी फ़िलहाल रेडी हो रहा है, जो अभी रेडी नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग इस पंडाल के पास पहुँचते हैं और इस पंडाल का जो थीम क्या है, इस पंडाल में क्या बनेगा और कैसा क्या बनेगा, वो हम आपको सारा कुछ बताएंगे। और अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं इसका काम चल रहा है काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों ज़ोरों से। और यहाँ पर एक चीज़ और ज़्यादा देखने को लगा है, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ ये पूरा नीम से तैयार किया जा रहा है, नीम का लकड़ी, मतलब इसका एक खुद का एक अपना डिज़ाइनिंग है जो भी देख रहे हैं। ये जो नीम से इसको रेडी किया जा रहा है। ओए अरे, गलती से पैर रख दिया रे, अरे कुड़िया। इतना ही नरम था, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सब जो नीम का छाल है, ये सब देख रहे हैं, ये सब देखिए, ये सब नीम का छाल से ये सब रेडी किया जा रहा है। ये सब नीम के छाल है। तो ये दोस्तों अभी फ़िलहाल देख सकते हैं ये जो रेडी किया जा रहा है, ये जो अभी आप जो देख रहे हैं, ये जो नीम का छाल है इसको काट के रेडी किया जा रहा है। ये देखिए इसका एक खुद का, ये देखिए अपना डिज़ाइनिंग तरीका से, मतलब इसका एक खुद का अपना डिज़ाइन है पेड़ से जो लिया जा रहा है। अभी देख सकते हैं, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रेडी किया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसी को रेडी करने के बाद, इसी को रेडी करने के बाद इसको देखिए इस जगह पे इतना खूबसूरती से इसको सजाया गया है कि इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अगर आप इस जगह पंडाल जब बन के रेडी हो जाएगा तब आप इसको देखने के लाएंगे, तब आपको पता चलेगा इसकी खूबसूरती क्या है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हे गाइस, अभी आप देख सकते हैं मैं पंडाल के अंदर आ चुका हूँ और मैं भी फिलहाल अंदर नीचे आ चुका हूँ। और अभी जो आप जो मेरे ऊपर जो अभी आप फिलहाल आप जो देख रहे हैं, ये पूरा नीम का लकड़ी से तैयार किया जा रहा है। नीम का जो छाल होता है ना, छाल, नीम के छाल से इसका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जिसके जो ऊपर लगाया जाएगा उसको रेडी किया जा रहा है पूरे नीम के छाल से। और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है क्योंकि इसका एक खुद में अपने आप में एक डिज़ाइन है और एक खुद का एक अपना एक न्यू स्टाइल है। बट इसका जो थीम है वो कुछ अलग है, जो अभी पता नहीं, अंकल से पूछते हैं क्या थीम पता चलेगा। लेकिन इसका जो आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं ना, ये चीज़ जो आप, ये जो आप देख सकते हैं ना, ये चीज़, ये पूरा नीम का लकड़ी का जो नीम का जो छाल होता है ना, उसको उतार के उससे उसको रेडी किया जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप मेरे देख सकते हैं ये जो रेडी आप जो देख रहे हैं, ये सब जो रेडी किया जा रहा है ये नीम के छाल। और ये जो पोर्शन रहेगा ना, ये जो तीन जो आपको जो लेयर दिखाई दे रहा है, ये हमारे पंडाल के ऊपर में लगेगा। ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है, जो भी फिलहाल ऊपर देख सकते हैं, इसको ऐसे करके ऊपर उठा दिया जाएगा। तो ये पूरा एक्चुअल में पूरा नीम से रेडी हो रहा है, ये पूरा नीम से, ये नीम के छाल से उतार के इसको रेडी किया जा रहा है, रेडी हो रहा है जो जस्ट मेरे पीछे यहाँ पे। तो मैं आपको पंचतत्व जो मूर्ति है, जो पाँच प्रकार की मूर्ति है, वो भी आपको दिखाऊँगा। और जो जत्रा शुरू शंघ में जो मूर्ति जो रेडी हो रहा है इस पंडाल में रखने के लिए, वो भी मैं दिखाऊँगा। तो चले चलते हैं सीधा जो पंच तत्व जो मूर्ति है, पहले आप उसको देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जत्रा शुरू शंघा जो क्लब के लिए जो मूर्ति है वो कौन सी है। तो ये देखिए, ये वाला जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये वाला हमारा है जत्रा शुरू शंघा के लिए। और ये जो पंच तत्व जो माँ की जो मूर्ति है, ये देखिए एक, ये दो, मतलब इस साइड में जो ये वाला जो साइड में ये जो देख रहे हैं, ये हमारी पंच माँ दुर्गा है। ये पंच माँ दुर्गा हमारी, ये जो मूर्ति रेडी हो रहा है, ये पंच माँ दुर्गा जो रेडी हो रहा है, ये हमारा रेडी हो रहा है हमारा मिताली शंघ के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा पंच माँ दुर्गा, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए,
और जस्ट ये वाला जो दुर्गा देख रहे हैं ये हमारा पंच था तुम्हारे लिए, और ये जो आप जिस साइड जो देख रहे हैं ये हमारा है जत्रा श्रु संघ के लिए ये वाला, और इसमें हमारा सबसे बड़ा माँ दुर्गा है जो अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं यही हमारा जत्रा माँ श्रु संघ के लिए सबसे बड़ा मूर्ति, ये जो देख रहे हैं ना अभी आप, ये जो शेर है ये जो आप जो देख पा रहे हैं और ये सांप, तो यही है हमारा जत्रा श्रु संघ क्लब के लिए। और ये शायद सरस्वती माँ है, ये देख सकते हैं कमल के लिए, और ये देख सकते हैं ये हमारा एक दूसरा रूप जो पंच तत्वों के लिए रेडी किया जा रहा है माँ दुर्गा के लिए, यही है हमारा पंच तत्वों के लिए, बस इसमें यही कुछ है। और दोस्तों ये मैं बता दूँ ये हमारे जो प्रशांत पॉलीवर सर का जो स्टूडियो है जस्ट उसके ऑपोजिट जस्ट उसके ठीक सामने में ही इसको रेडी किया जा रहा है, तो बस यही सब है इसके अंदर। तो बस तो मैंने जो अभी आपको उस साइड जो मूर्ति दिखाया वहाँ पे तीन मूर्ति है, और ये जो माँ दुर्गा जो पंच तत्व के लिए है जो रेडी किया जा रहा है वो ये रेडी किया जा रहा है जो हमारा जत्रा श्रु संघ जो क्लब है वो इसको रखने के लिए, ये देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मेरे पीछे यहाँ पे, और ये देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा मूर्ति है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये रेडी हो रहा है, अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, और ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारीकी से बनाया जा रहा है। और दोस्तों मैं बता दूं ये पूरा मिट्टी से रेडी किया जाता है, पूरा मिट्टी से, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, और इसको काफ़ी बारीकी से काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन से इसको रेडी किया जाता है, इसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, और इसको बनाने के लिए दिसंबर से ही बनाना है, इस मूर्तियों को तैयार किया जाता है, रेडी करना शुरू किया जाता है दिसंबर से, तो आप सोच सकते हैं इसको बनाने में कितना ज़्यादा समय लगता है। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ जत्रा श्रु पंडाल में, जो अभी आपने मैंने बताया जत्रा श्रु संघ पंडाल के अंदर, इसका जो मेन थीम है इस पंडाल का मैं बता दूँ, जो मोर का जो पंख होता है उसके मोर के जो पंख होते हैं पीछे वाले उसके मोर के पंखों से इस पंडाल को ज़्यादातर ही मेन फोकस से इसको रेडी किया जा रहा है मोर के पंखों से, और मोर के पंख से जैसे अभी बता सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं अभी फ़िलहाल मेरे जो ब्लॉग में जो आप देख रहे हैं ये आपको हिंदी में मिलेगा, और यहाँ पर जो मतलब बनाने वाले लोग हैं वो बंगाली में बोलते हैं तो बहुत ही कम समझ में आता है। तो मैं आपको बता दूं इसके जो ऊपर में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसके ऊपर लाइट लगेगा, और लाइट लगाने के बाद जो मोर के जो पंख रहेंगे ना इसके ऊपर ढाक दिए जाएंगे, इसके ऊपर इसके मोर के पंख है उसको लगा दिया जाएगा, और इसके जो नीचे जो आप देख रहे हैं वहाँ पे वहीं पे इसकी ठाकुर माँ है जो मूर्ति है उसको बैठाया जाएगा, और ये जो चीज़ देख रहे हैं ये ऊपर लिफ्ट का तरह शिफ्ट हो जाएगा, और इसके चारों तरफ पूरा लाइटिंग लगा दिया जाएगा काफ़ी अच्छा, और जो मोर का पंख जो है ये आप जो अभी देख रहे हैं ये जो देख सकते हैं अभी आप, इसको पूरा हाथ से डिज़ाइन किया गया है, पूरा हाथ से रेडी किया गया है, ये देख सकते हैं अभी आप, और जितना भी जो लाइट है ये देखिए ये सारा लाइट। और दोस्तों मैं बता दूँ इसमें जो लाइट लगने वाला रहता है वो कई हज़ार यहाँ पर लाइट लगता है, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लाइट लगता है, और लाइट के लिए भी आप देख सकते हैं, देखिए लाइट चेक अभी फ़िलहाल आपने देखा यही लाइटिंग वगैरह सब चेकिंग हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ ये जो मोर पंख ये जो आप जो देख रहे हैं ये वाला ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये चीज़, तो ये जो मेन चीज़ है ये जो हाथ से इसको डिज़ाइन किया गया है, पूरा हाथ से इसको रेडी किया जा रहा है, पूरा हाथ का डिज़ाइन है, तो इसी को मेन पर्पज़ जो मोर का पंख से इस पंडाल का जो मेन थीम है वो मोर के पंडाल से इसको पूरा ऊपर से बनाया जाएगा। और अभी फ़िलहाल कुछ एक भैया हैं जो उसके बाहर से पंडाल में बता रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हैं सामने देख रहे हैं इसके पीछे यहाँ पे लाइट लगा रहेगा, और यहाँ पे इसका शेडो पड़ेगा, और शेडो से जो लाइट का जो शेडो रहेगा वो इसकी तरफ आएगा, इस तरफ जो लाइट का जो शेडो आप देख पाएंगे वो इसके नीचे की तरफ आएगा जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और इसके बाहर में जो अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे इसी पंडाल के पीछे ऊपर में छोटा छोटा जो मयूर का जो पंख है वो इसी पंडाल के सामने ऊपर में लगाया जाएगा, अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने ये देख सकते हैं अभी, तो यहीं पे इसके पंडाल के सामने इसको मयूर पंख रेडी किया जाएगा। और अभी कुछ और बता रहे हैं भैया, तो चलिए पूछ लेते हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल ये जो मैंने आप जो दिखा रहा हूँ जो मयूर वाले जो पंच माँ दुर्गा है ये पंच माँ दुर्गा ये पूरे मूर्ति वाले जो हैं वो इसी पंडाल में बैठे